इसके बाद में आप सभी के लिए आहार की व्यवस्था की गई है। यहाँ महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री द्वारा पूर्व खादी ग्रामोद्योग राज्य मंत्री श्रीमती गोलमा देवी को ये छतरी भेंट करके इनका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार। और साथ ही मैं समस्त बाहर से पधारे हुए समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, आप एक एक करके आएंगे और आप भी ये छतरी आपको सम्मान स्वरूप भेंट की जाएगी, तो एक एक करके आएंगे और लेकर के आप बिना अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे। सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूंगा सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप ही ग्रहण करें सम्मान के तौर पर। आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है इनकी सुंदर सी व्यवस्था में एक एक करके आप आएंगे, एक साथ नहीं। एक एक करके आए और फिर आप पुनः अपने स्थान पर जा एकदम ऐसे भीड़ ना करें। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आप अपने स्थान पर बैठे रहें, एक एक करके आए प्लीज। इस तरह आप सब एक साथ उठ के आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार सभी आप बैठ जाएं, क्योंकि अभी रोक दिया गया है, दो मिनट के लिए रोक दिया गया है, आप एक बार सब बैठ जाएं। अब भाई सबके सब बैठ जाओ, कुर्सी पे ही मिलेगी आपको, सब आपको कुर्सियों पे ही मिलेगी, आप तो कुर्सियों पे बैठो, आप सब कुर्सियों बैठ जाओ सब। मंच में विराजमान सभी सब सरपंच सभी और हम ये भाई बहन सभी बहन तो दो ही है, भाई भाई ये देखो तो मैं तो अपन के बीच में देखो साहब ही आते हैं, साहब की तबीयत होबा के बारे में तो 5 महीना में आज लिख रही हूँ, पास में आ जाई हूँ, देखो ये ने 5 महीना में। पर आप सावधानी रखो, दूर बना के रखो और आप ये कोरोना से दूर रहो, देखो इन्हें हाथ धो रखो, रोगो नहीं, जितनी आप सफाई रखेंगे इतना ही अच्छा रहेंगे भाई बहन। देखो मैं तो आपन से यही ज्यादा तो खा खूंगी, मैं ज्यादा खाए बाकी नहीं है, फिर दूर बनाए रखो सब भाईचारा से रहो, सब ये कोरोना भगवा के मारे, देखो ये नहीं भगाना पड़ेगा सबको, मास्क लगा कर रहना है सबको, अब आपने संबंध लगा रखे है नहीं तो लगा के रखो, हाथ धो के टीवी में देखते हो, अखबारों पढ़ते हो, थम देखो अब गोलमा तो पढ़ी लिखी तो नहीं, फिर गोलमा सब समझती है, पर अखबार में देख रहे बूढ़ा बड़ा ने ज्यादा लेता है भाई, दूर बना रखो भाइयों, है कि नहीं, बूढ़ा बड़ान का ज्यादा होती है, बच्चान का ज्यादा होती है, जुआन तो झेल जाता है पर बूढ़ा बड़ा नहीं झेलता, तो दूर बना के रखो, सब प्यार प्रेम से रहा करो, सब भाईचारा से रहा करो और सब इन्हें न्यू मत कीजिए, मारा बाबा को न्याय माई आगे जी बाबा आगो बाबा में माई में कोई फर्क नहीं है, बाबा का पीछे था वो माई है कि नहीं, माई के पीछे बाबा और बाबा मेरा पीछे है कि नहीं, तो एक ही बात है, सब सावधानी बरतो सभी भाई, देखो सबको मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको राम राम भाई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रकार से आपको असर करती है आज भी, यहाँ कार्यकर्ताओं को जागरूकता संबंधित अपने विचार भी बताएं और साथ ही इन सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पधारने पर आप आभार भी ज्ञापित करें। श्रीमती सुमन मीना आया।
सम्मानित मंच मंच पर विराजमान हमारे पूर्व मंत्री जी गोलमा देवी जी, राजस्थान सरकार आपका हार्दिक स्वागत है। साथ में हमारे लालसोट विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई रामविलास जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। सभी मंचस्थ आप सभी का स्वागत है एवं यहाँ विराजमान सभी कार्यकर्तागण, वृद्ध बुजुर्गण और मेरे प्यारे भाइयों और खुर्रावासियों, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं सादर प्रणाम। आज इस कोरोना महामारी के दौर में ये कार्यशाला हमारे गांव में रखी गई है और सौभाग्य से आज हमारे यहाँ गोलमा जी पधारे, ये हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ गांव में पधारे और हमें इस जागरूकता अभियान से जागृत करवाया। इस महामारी के दौर में सभी को, हम सबको जो हमारे पड़ोसी देश के द्वारा ये महामारी फैलाई गई है उससे जागरूक रह के सावधानियाँ बरतनी है और हम सबको मिलके इससे लड़ना है। दो गज दूरी के साथ हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि दो गज दूरी बेहद जरूरी, ये जीवन का हमें मूल मंत्र बनाना है। साथ में